मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे पहली बार 9th क्लास के साइंस सब्जेक्ट की केमिस्ट्री सेक्शन में इंट्रोड्यूस होती है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि इसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं जो कि उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज रहते हैं। केमिस्ट्री को पसंद करने वाले सारे स्टूडेंट्स टीचर्स लगातार इसे याद करने की कोशिश में लगे रहते हैं, क्योंकि ऐसा करने में अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ना सिर्फ उनके सब्जेक्ट का नॉलेज इनहेंस होता है, बट एट द सेम टाइम एक ऐसी पर्सनैलिटी की इमेज क्रिएट होती है जिसकी मेमोरी बहुत ही शार्प एंड स्ट्रॉन्ग। पर यकीन मानिए, बहुत ही कम लोग इसमें सक्सेसफुल हो पाते हैं। जो लोग सक्सेसफुल हो भी जाते हैं वो कुछ ही देर के बाद या कुछ ही दिनों के बाद इसे भूल जाते हैं, उन्हें इसे रिकॉल करने में बहुत डिफिकल्टी आती है, वो फंबल करने लगते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मैक्सिमम एलिमेंट्स के जो साइंटिफिक नेम्स हैं वो बड़े ही टिपिकल हैं और उन्हें लंबे समय तक याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट है। पर अगर मैं आपसे कहूं कि दो ऐसी टेक्निक्स हैं, फर्स्ट PMS दैट इज पर्सनल मीनिंग सिस्टम एंड सेकेंड नंबर निमोनिक्स, जिसकी हेल्प से आप पीरियोडिक टेबल के सारे 118 एलिमेंट्स को चंद मिनटों में इफेक्टिवली वो भी उनके एटॉमिक नंबर साइंटिफिक नेम्स और सिंबल्स के साथ याद कर सकते हैं, और वो भी हमेशा के लिए। तो क्या आप मेरी बात मानेंगे? शायद नहीं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिनय समाधिया, एन एंथुसियास्टिक एकेडमिशियन एडुकेटर एंड अ प्रोफेशनल मेमोरी एक्सपर्ट। लेके आया हूँ आप लोग के लिए एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो जिसमें मैंने पीरियड टेबल के सारे 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर साइंटिफिक नेम्स और सिंबल के साथ याद करके दिखाया। देखना चाहेंगे तो चलिए शुरू करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन देखते वक्त मेरे कुछ व्यूअर्स के माइंड में एक डाउट क्रिएट हो सकता है कि जिस रूम में डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है वहाँ शायद कोई ऐसा सोर्स है जैसे कि कोई पीरियोडिक टेबल या पीरियोडिक चार्ट, जिसकी वजह से ये डेमोन्स्ट्रेशन सक्सेसफुल हो पा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मेरे पिछले वीडियो की ही तरह मैं जब इन साइंटिफिक एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन कर रहा होऊंगा और आप टैली कर रहे होंगे, मेरी आईज एब्सोल्युटली क्लोज्ड रहेगी। बट स्टिल किसी के मन में कोई भी डाउट क्रिएट ना हो, इसलिए मैं एक बार आपको अपने रूम की सराउंडिंग्स दिखा देता हूँ। तो चलिए रूम की सराउंडिंग्स देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन स्टार्ट करने से पहले कुछ कपल ऑफ थिंग्स हैं जो मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि मैं एक स्पेसिफिक ऑर्डर में इन एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करूँगा, जिसमें सबसे पहले मैं एटॉमिक नंबर बोलूँगा, उसके बाद एलिमेंट का साइंटिफिक नेम बोलूँगा और लास्टली उसका सिंबल बोलूँगा। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स जिस वे में अरेंज्ड हैं बिल्कुल उसी वे में मैंने यहाँ पर बोर्ड पर उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है। आप देख सकते हैं मैंने एलिमेंट्स के सिंबल लिखे हैं और सिंबल के ऊपर एलिमेंट का रिस्पेक्टिव एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है। लिमिटेड स्पेस होने की वजह से मैं यहाँ पर साइंटिफिक नेम ऑफ द एलिमेंट रिप्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। तो उसे चेक करने के लिए कि मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं, आप वीडियो को पॉज करके केमिस्ट्री बुक्स का रेफरेंस यूज़ कर सकते हैं जिनमें इन एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन दिया रहता है। इसके साथ ही आप गूगल को भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें इन एलिमेंट्स का डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। और मैं 1000% एब्सोल्युटली श्योर हूँ कि मैं एब्सोल्युटली करेक्ट नेम बोलूंगा एलिमेंट का, और उन साइंटिफिक नेम्स को मैंने PMS और नंबर नेमोनिक टेक्निक से याद किया है, जिसे मैं वीडियो के स्टार्ट में आपको पहले ही बता चुका हूँ। लास्टली, जैसे ही मैं एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हुए 57 तक पहुँच जाऊँगा, उसके बाद आपको 58 से 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो सेकेंड लास्ट रो में मिलेंगे, जिनको हम लैंथोनाइट सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। सिमिलरली, जब मैं डिस्क्राइब करते हुए एलिमेंट्स को 89 पर पहुँच जाऊँगा, उसके बाद 90 से लेकर 103 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको लास्ट रो में मिलेंगे, जिनको हम एक्टिनॉइड सीरीज ऑफ एलिमेंट्स कहते हैं। अब मैं अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू करता हूँ, मेरी आईज बंद रहेंगी, आप टैली कीजिए। सो द एलिमेंट्स आर 01 हाइड्रोजन H, 02 हीलियम HE, 03 लिथियम LI, 04 बेरिलियम BE, 05 बोरोन B, 06 कार्बन C, 07 नाइट्रोजन N, 08 ऑक्सीजन O, 09 फ्लोरीन F, 10 नियॉन NE, 11 सोडियम NA, 12 मैग्नीशियम MG, 13 एल्यूमिनियम AL, 14 सिलिकॉन SI, 15 फास्फोरस P, 16 सल्फर S, 17 क्लोरीन CL, 18 आर्गन AR, 19 पोटेशियम K, 20 कैल्शियम CA,
21 स्कैंडियम SC, 22 टाइटेनियम TI, 23 वैनेडियम V, 24 क्रोमियम CR, 25 मैंगनीज MN, 26 आयरन FE, 27 कोबोल्ट CO, 28 निकल NI, 29 कॉपर CU, 30 जिंक ZN, 31 गैलियम GA, 32 जर्मेनियम GE, 33 आर्सेनिक AS, 34 सेलेनियम SE, 35 ब्रोमीन BR, 36 क्रिप्टॉन KR, 37 रूबीडियम RB, 38 स्ट्रॉन्शियम SR, 39 वाइट्रियम Y, 40 जिरकोनियम ZR, 41 नियोबियम NB, 42 मोलिब्डेनम MO, 43 टेक्नीशियम TC, 44 रूडेनियम RU, 45 रोडियम RH, 46 पैलेडियम PD, 47 सिल्वर AG, 48 कैडमियम CD, 49 इंडियम IN, 50 टिन SN, 51 एंटीमनी SB, 52 टेलुरियम TE, 53 आयोडीन I, 54 ज़ेनॉन XE, 55 सीज़ियम CS, 56 बेरियम BA, 57 लैंथनम LA, 58 सीरियम CE, 59 ट्रासुडाइबियम PR, 60 नियोडियम ND, 61 प्रोमीथियम PM, 62 समेरियम SM, 63 यूरोपियम EU, 64 गैडोलिनियम GD, 65 टर्बियम TB, 66 डिस्प्रोसियम DY, 67 होलमियम HO, 68 अर्बियम ER, 69 थूलियम TM, 70 येटरबियम YB, 71 ल्यूटेटियम LU, 72 हाफनम HF, 73 टैंटलम TA, 74 टंगस्टन W, 75 आर्हेनियम RE, 76 ऑस्मियम OS, 77 इरिडियम IR, 78 प्लैटिनम PT, 79 गोल्ड AU, 80 मर्करी HG, 81 थैलियम TL, 82 लीड PB, 83 बिस्मथ DI, 84 पोलोनियम PO, 85 एस्टेटीन AT, 86 रेडॉन RN, 87 फ्रेंशियम FR, 88 रेडियम RA, 89 एक्टिनियम AC, 90 थोरियम TH, 91 प्रोटेक्टिनियम PA, 92 यूरेनियम U, 93 नेपच्यूनियम NP, 94 प्लूटोनियम PU, 95 अमेरिशियम AM, 96 क्यूरियम CM, 97 बर्केलियम BK, 98 कैलिफोर्नियम CF, 99 आइंस्टीनियम ES, 100 फर्मियम FM, 101 मेंडेलिवियम MD, 102 नोबेलियम NO, 103 लॉरेंशियम LR, 104 रदरफोर्डियम RF, 105 डब्लियम DB, 106 सिबोगियम SG, 107 बोहोरियम BH, 108 हैसिनियम HS, 109 मैक्नेरियम MT, 110 डार्म स्टैडिटियम DS, 111 रोटेंजियम RG, 112 कॉपरनीशियम CN, 113 निहोनियम NH, 114 फ्लेरोवियम FL, 115 मॉस्कोबियम MC, 116 लिवरमोरियम LV, 117 टेनेसिन TS एंड 118 ऑर्गेनाइजेशन OG. आई गेस मैंने एब्सोल्युटली करेक्ट बोले होंगे. तो वाजंट दैट एन अमेजिंग वीडियो. मेमोराइजेशन स्किल्स की हेल्प से हम डिफिकल्ट लगने वाली चीजों को कितने इफेक्टिवली एंड इजीली याद कर सकते हैं. तो PMS, दैट इज पर्सनलाइज्ड मीनिंग सिस्टम एंड नंबर निमोनिक टेक्निक्स की हेल्प से मैंने इस वीडियो में पीरियोडिक टेबल के 118 एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर, साइंटिफिक नेम्स एंड सिंबल के साथ याद करके दिखाया. एंड इन्हीं दोनों मेथड्स की हेल्प से मैंने अपने पिछले वीडियो में पाई वैल्यू की 100 नंबर की सीरीज को फॉरवर्ड एंड रिवर्स बोथ दी ऑर्डर्स में याद करके दिखाया. उस अमेजिंग वीडियो को अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूं, उसे प्लीज आप देखिएगा. और दोनों वीडियोस को देखने के बाद मेरे व्यूअर्स के माइंड में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि आखिरकार ये PMS और नंबर निमोनिक टेक्निक क्या है. तो इसके लिए करिए थोड़ा सा इंतजार, क्योंकि अपने नेक्स्ट वीडियो में मैं बड़े डिटेल्ड वे में इनको डिस्क्राइब करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे PMS और नंबर निमोनिक्स की हेल्प से आप किसी भी डिफिकल्ट लगने वाली नंबर सीरीज एंड वर्ड्स को इजीली याद कर सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए और बिना भूल. ठीक है, टिल देन मुझे मोटिवेट करने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस के ऊपर कमेंट कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के साथ. मैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी.